सोना लगी अष्ट धातु की मूर्ति बताकर 5.50 लाख ठगे, आरोपितों पर FIR। जी हाँ, देहात थाना क्षेत्र में गोहद के युवक से दो आरोपितों ने सोना लगी अष्ट धातु की मूर्ति बताकर 5.5 लाख रुपए ठग लिए। युवक मूर्ति लेकर घर गया तो उसकी पत्नी को शक हुआ कि मूर्ति अष्ट धातु की नहीं है। इसके बाद युवक मूर्ति चेक कराने गया तो मालूम हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने युवक की शिकायत पर आरोपितों पर FIR दर्ज कर ली है। देहात थाना पुलिस के मुताबिक प्रमोद परिहार पुत्र साहिब सिंह परिहार निवासी ग्राम रजपुरा थाना गोहद ने बताया कि 10 जून 2022 को दोपहर में शेलू उर्फ शैलेंद्र गुज्जर निवासी डांग थाना गोहद से मुलाकात हुई थी। बातचीत में शेलू ने बताया कि नरेश गुज्जर के पास अष्ट धातु की कीमती मूर्ति है जिसे वह बेचना चाहता है। प्रमोद और शेलू के बीच करीब 3 वर्षों से जान पहचान थी। इससे प्रमोद ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। अगले दिन 11 जून 2022 को शेलू ने प्रमोद को भिंड देहात थाना क्षेत्र में वीरधन का पूरा नहर की पुलिया के पास मिलने के लिए बुलाया। यहां प्रमोद की नरेश गुज्जर निवासी महल गांव से मुलाकात कराई गई। नरेश ने एक मूर्ति दिखाई और कहा कि यह अष्ट धातु की है, इसमें सोना भी मिला हुआ है। शेलू ने कहा कि मूर्ति की कीमत 15 लाख रुपये है। प्रमोद ने पुलिस को बताया कि भरोसा जीतने के लिए नरेश ने मूर्ति में छेद कर बुरादा जैसा निकालकर पुड़िया में रख कर दे दिया, कहा कि इसे चेक करवा लो। प्रमोद ने पुलिस को बताया कि बुरादा चेक करवाया तो सुनार ने बताया कि इसमें सोना भी मिला हुआ है। मूर्ति में सोना मिला होने की पुष्टि होते ही प्रमोद को भरोसा हो गया। प्रमोद ने 7 लाख में मूर्ति का सौदा तय कर लिया। 13 जून 2022 को भिंड स्थित बैंक घर से 5.5 लाख रुपए की रकम लाकर नरेश को दी। बाकी 1.5 लाख रुपए जल्द देने की कहकर प्रमोद मूर्ति घर ले गए। प्रमोद की पत्नी ने कहा कि मूर्ति अष्ट धातु की नहीं लग रही। इस पर मूर्ति को चेक करवाया तो वह नकली निकली। पुलिस ने आरोपित शेलू और नरेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।